हेलो डी चैंपियंस एंड माय डियर फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सी प्रणव। गाइस आज हम लोगों को वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर टू ऑफ CA फाउंडेशन पेपर थ्री मैथ्स स्टेट्स एंड एलआर, द नेम ऑफ टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स गाइस मेट्रिसिस के अंदर जो डिटर्मिनट्स पार्ट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट्स कंटेन्स और उन सारे फार्मूलाज के अंदर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं और मैट्रिक्स का ही यूज़ करके उसको कैलकुलेट किया जाता है अभी कुछ टर्म्स हैं लाइक माइनर को फैक्टर इन सारे टर्म्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्रेमर्स रूल क्रेमर्स रूल आप लोगों को नहीं बनता है कुछ लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम आती है ठीक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए इसमें भी थोड़े इश्यूज़ आते हैं तो उन सब चीज़ों को आज हम वन बाय वन एवरीथिंग विल डिस्कस और आज के बाद आपको मैट्रिसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला इनफैक्ट आई एम ओनली टेकिंग डिटर्मिनेट्स बिकॉज द मैट्रिसिस इजी पार्ट दैट यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन बट द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट्स वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बताइए क्या आप सभी लोग रेडी हैं यस चलिए गाइस लेट्स बिगिन द नेम ऑफ टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स दोस्तों डिटरमिनेंट स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताऊंगा उस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है मैट्रिक्स एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जो एक प्रॉपर टेबुलर रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में शो किए जाते हैं आर जस्ट अ सेट ऑफ नंबर ठीक है लेकिन जो डिटर्मिनेंट है आपका डिटर्मिनेंट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो एक नंबर है जब आप बोलते हैं कि किसी का डिटर्मिनेंट निकालिए तो आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैल्कुलेट करते हैं इट्स अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स वो खुद में एक मैट्रिक्स नहीं है लेकिन किसी मैट्रिक्स के अंदर की कोई एक वैल्यू है ठीक है इस बात को पहले ही आप आई कैन से थर्म रूल की तरह मान लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको क्रिएट आगे ठीक है तो ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट के बारे में पर्टिकुलर वैल्यू अच्छा अब डिटरमिनेंट की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं जाकर एक बार क्या बोल रहा है इट इज अ वैल्यूएशन ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज अ वैल्यूएशन ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग सम रूल्स कुछ रूल्स का यूज करके जब हम मैट्रिक्स को वैल्यू करते हैं दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट इट ओनली अप्लाइज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स उसमें से वन ऑफ द टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स सो व्हेन द मैट्रिक्स इज ऑफ स्क्वायर टाइप ओनली इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट डिटरमिनेंट फॉर अदर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट नहीं हो सकता ठीक है अच्छा उसके बाद सर कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनंट निकालना है तो सपोज आपका मैट्रिक्स है ए तो उसका डिटर्मिनेंट दिखाया दिखाया जाएगा डी ई टी ए करके या तो ऐसे या फिर ए मैट्रिक्स के बाहर आप दो लाइंस ऐसे बना सकते हैं या फिर ट्राइंगर जो डेल्टा होता है वो ठीक है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले मैट्रिक्स से तो उसके पहले मैं आपको एक बार लिखवा भी देता हूँ यहाँ पर वॉट इज़ द नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स को कैसे शो किया जाता है नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इफ मैट्रिक्स इज ए अगर आपने मैट्रिक्स को ए से दिखाया है इट्स डिटर्मिनेंट तो फिर उसके डिटर्मिनेंट को इज शोन बाय को कैसे शो करेंगे सर तीन तरीके हैं सबसे पहला तरीका डी ई टी ए ऐसा भी दिखाया जाता है और या फिर सेकंड ए मॉड्यूलस लाइक दिस और थर्ड ओनली डेल्टा ऑफ ए दिस दिस अलोन मीन्स डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ही डिटर्मिनेंट होता है इस साइन का मतलब ठीक है अच्छा सर ये तो बात हो गई कि उसको कैसे दिखाते हैं वो क्या होता है और इट्स अ वैल्यू और समथिंग लाइक दैट और कुछ रूल्स फॉलो होते हैं बट लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल या तो सबसे पहले आपको जो बात बताई उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स कि ये सिर्फ स्क्वायर मेट्रिक्स पे एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हम लोग सबसे बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो होता है सर हमारा टाइप टू बाय टू सबको पता होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स टू बाई टू का मतलब नंबर ऑफ रोज ऑल्सो टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो टू तो कोई भी एक टू बा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैट्रिक्स सपोज 2639 सिक्स थ्री नाइन टू सिक्स थ्री आई विल टेक एट ईयर ओके नाउ दिस इज माई मेट्रिक्स ए आई एम राइटिंग इट इज मेट्रिक्स ए नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट अगर हमें निकालना है डीई टी ए इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले तो आप इसे ऐसे दिखाएंगे टू और यहां पर एक वर्टिकल लाइन और यहां पर एक वर्टिकल लाइन इससे ये समझ में आता है कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं अच्छा मैट्रिक्स निकालते समय जो सबसे पहला रूल है फॉर टू बाई टू वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना सिंपल ठीक है सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं टू इंटू एट का और सिक्स इंटू थ्री का अच्छा उसके बाद आप पहले वाले को पहले वाले में से दूसरा वाला सब कर देंगे तो यू विल गेट सिक्सटीन माइनस एटीन सो द आंसर इज ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है तो वॉट इज द डिटर्मिनेंट ए क्या डिटर्मिनेट ऑफ ए ये है नहीं सर ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन है द आंसर इज माइनस टू मैंने बताया था ना आपको डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक्स वो प्रेजेंटेशन नहीं है इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ था इसका वैल्यू है माइनस टू इट्स डिटरेंट इज माइनस टू सर ये आपने जो मेथड की तो आपने पहले बताई नहीं थी कोई बात नहीं मैंने पहले सॉल्व करा दिया अब आपको मेथड दिखाता हूं मेथड फॉर डिटरमिनेंट ऑफ टू बाय टू मैट्रिक्स टू बाय टू मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालने की मेथड। ओके okay. सबसे पहली बात सर हमेशा जो मैट्रिक्स होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा टू बाय टू मैट्रिक्स ठीक है जब इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा डी ई टी ए सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाना है ए इंटू डी बी इंटू सी तो जो क्रॉस में बैठे हुए हैं उनका प्रोडक्ट कर दो और बीच में माइनस का साइन लगा दो सर क्या हम बी सी पहले ले सकते हैं नहीं दोस्त आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है ए से ना तो ए डी शुरुआत में आएगा तो ए के क्रॉस में कौन बैठा है डी उसके बाद बी के क्रॉस में कौन बैठा है सी तो ए डी माइनस बी सी ठीक है दैट्स हाउ वी कैल्कुलेट द डिटर्मिनेंट फॉर टू बाई टू मैट्रिक्स अच्छा ये तो हो गया सर टू बाई टू लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर बेस्ड ऑन थ्री बाय थ्री ठीक है उसके पहले फिर भी एक बार चलिए एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए टू बाय टू का आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम्पल फॉर टू बाय टू ये आपको पॉज करके ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है उसके बाद वापस से प्ले करेंगे वीडियो को ठीक है सो मैट्रिक्स इज टू नाइन थ्री सेवन दिस इज द मैट्रिक्स बी कैलकुलेट determinant ऑफ बी यू कैन पॉज द वीडियो नाउ ओके गाइस चलिए निकालते हैं कैलकुलेशन क्या होगा सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू इंटू सेवन शुरुआत टू से हो रही है इसलिए यहां भी मैंने टू से शुरुआत करी माइनस नाइन इंटू थ्री ये हो जाएगा आपका 14 माइनस ट्वेंटी सेवन फोर्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन इज माइनस थर्टीन ओके सो माइनस थर्टीन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इस चीज को ध्यान रखना चलिए ये था टू बाई टू सर टू बाई टू वेरी इजी टू बाई टू में ज्यादा सीखने का कुछ भी नहीं था अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है टाइप टू थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स क्या थ्री बाय थ्री भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स सर थ्री बाय थ्री इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है course, sir, 3 3 यार ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स हो गया हमारा अब इस थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में कैसे निकाला जाए सर सबसे पहले तो आप समझो उस फॉर्मेट को लिखो थ्री बाय थ्री को हम कैसे लिखते हैं सर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री सर ये वन टू थ्री वन टू थ्री क्या है पेशेंस रखो बताता हूं ये मैंने आपके सामने एक थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स बनाया है देखो ए वन वन का मतलब समझना ए वन वन वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लोकेटेड है क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे क्या ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लोकेटेड है इज इट लोकेटेड एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सर कैसे पता चलता है ये देखो ये कहलाता है आपका कॉलम वन ये होता है कॉलम टू एंड दिस इज कॉलम थ्री इट्स वेरी बेसिक थिंग दिस इज योर रो वन दिस इज योर रो टू एंड दिस इज योर रो थ्री सो रो वन रो टू रो थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री करेक्ट है या yeah. अब कोई भी एलिमेंट ले लो आप जैसे ए टू टू तो ए टू टू को अच्छे से चेक करो आप क्या वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यस सर इट इज इन फ्रंट ऑफ रो टू एंड कॉलम टू इज इट क्लियर गाइस अच्छा एक और चेक करते हैं ठीक है भाई एक और चेक किया जाए लेट मी चेक दिस वन ए थ्री वन बताओ भाई ए थ्री वन क्या ये थर्ड रो है यस yes. क्या ये फर्स्ट कॉलम है तो गाइज हमने लिखा है इस फॉर्म में देखो ए आई जे के फॉर्म में लिखा है एलिमेंट को जहां पर आई आपको बताता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रो मतलब जो पहला नंबर वहां पे होगा दैट विल शो यू द पोजीशन ऑफ रो और जे जो होगा दैट विल शो यू द पोजीशन ऑफ कॉलम ठीक है दोस्त पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम ए आई जे ठीक है यह बात सबको समझ में आ गई पोजीशन की चलो ओके okay, दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं एक एग्जांपल ठीक है सो so आपको पोजीशन देखना समझ में आ गया है कि फर्स्ट जो होता है ए आई जे आई इज द पोजीशन ऑफ रो एंड जे इज द पोजीशन ऑफ कॉलम ओके सो लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स ओके वन मोर एग्जाम्पल सो so my मैट्रिक्स इज लाइक दिस 2 4 1 3 5 8 7 1 6 ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 बाय 3 का ये सबको समझ में आता है राइट 3 बाय 3 क्या होता है ये बात सबको क्लियर है 3 बाय 3 ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम अब मैं आपको बोलता हूँ इसमें मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए व्हाट इज ए वन टू चलिए ए वन टू क्या यहाँ पे सर बड़ा सिंपल है जब आप ए वन टू की बात करते हैं सो वन मीन्स पोजिशन ऑफ रो एंड टू मीन्स पोजिशन ऑफ कॉलम तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैसे निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो कौन सा नंबर आ जाएगा सर फोर सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज फोर ठीक है और प्रैक्टिस के लिए ए थ्री टू चलिए ए थ्री टू क्या होगा सर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये आपका हो जाएगा दिस वन तो इसका आंसर हो गया वन ठीक है तो आप सभी को आई होप समझ में आ चुका होगा कि पोजीशन कैसे निकाली जाती है और ये जो मैं डिनोट करता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है ठीक है तो लास्ट एक और कर लेते हैं बताइए सारे लोग ए टू थ्री क्या होगा ए टू थ्री फटाफट आंसर दीजिए सर ए टू थ्री मतलब सेकेंड रो ठीक है भाई सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एंड थर्ड कॉलम सो कौन सा वाला आएगा सर एट सो द राइट आंसर इज एट आई होप इट इज एब्सुलटली क्लियर ओके नाउ सर अब तो बात हो गई कि थ्री बाय थ्री में किस पोजिशन को क्या नाम देते हैं इसके बारे में समझ लिया लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर हम लोगों को कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो वैल्यू निकालने का कुछ ना कुछ फॉर्मुला होना चाहिए टू बाई टू में आपने फॉर्मूला देखा था एडी माइनस बी सी क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको सब कर दिया था वही चीज जब आप थ्री बाय थ्री में आते हैं तो विल चेंज थ्री मैट्रिक्स के लिए वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट लेट मी टेल यू नाउ ओके सो पहले मैं वापस से ऐसे लिख देता हूं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री ओके यस ठीक है अब इसमें देखिए अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना सपोज ये है मेरा मेट्रिक्स ए अब आपको अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना तो क्या करना होगा अच्छे से फॉर्मूले को देखिएगा अच्छे से एकदम ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं नीचे शुरू से फॉर्मूला लिखता हूं यस इट विल बी ए वन वन हाँ सर ए वन वन लिया आपने ब्रैकेट के अंदर मुझे बताओ अगर मैं ए वन वन की बात करूं इसकी पोजीशन क्या है सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो जो भी उसकी पोजीशन है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हाइड कर दो तो सर आपके ये हाइड हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा अगर वो हाइड हो गए तो क्या बचेगा सर अगर वो हाइड हो गए तो हमारे पास बचेगा ये अगर वो हाइड होगा तो हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचेंगे बस इन चार एलिमेंट्स का नॉर्मली टू बाई टू का जो मैट्रिक्स होता है ना वो निकाल दो तो सर कैसे निकालेंगे ए टू टू अच्छा इसको ब्लू से ही लिखता हूं मैं ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए टू थ्री इंटू ए थ्री टू ये क्या हुआ सर क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ना क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ए वन वन वाले जो रो और कॉलम थे उनको हाइड कर दिया मैंने उनको छोड़ के जो चार एलिमेंट बने उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स टू बाई टू में करते थे ये ए वन वन के साथ हुआ सेकेंड फिर आपको करना रहेगा माइनस ए वन टू उसके बाद प्लस नहीं उसके बाद माइनस ए वन टू अब मैं बात कर रहा हूं ए वन टू की ठीक है तो मैं अब यहां आ गया अच्छा जब मैं ए वन टू की बात करता हूँ तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो सर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मैं येलो से मार्क कर देता हूँ चलो बताइए अब कौन कौन से एलिमेंट बच गए सर अब हमारे पास ये फोर एलिमेंट्स बचे जो मैंने ब्लू से सर्कल किए हैं अब इन चारों का हमें क्या निकालना है सर इन चारों का भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल देना है तो ये हो जाएगा आपका ए टू वन into ए minus थ्री माइनस ए टू थ्री ए ठीक है तो हमने वही किया हमने इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस 31 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले गए बीच में आपने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया इस तरह से हमने सेकंड टर्म सॉल्व करी अभी हमारी सेकंड टर्म सॉल्व हुई है थर्ड अब हम आ जाते हैं वापस से प्लस a13 तो पहले ए वन वन लिया फिर ए वन टू लिया ए वन थ्री लिया जब मैं ए वन थ्री ले लेता हूं तो अब मुझे आप लोग बताइए अगर ए वन थ्री मैंने ले लिया तो फिर मुझे क्या हाइड करना पड़ेगा चलो जो ऑलरेडी हाईलाइटेड था उसको पहले रिमूव करते हैं ये हो गया आपका ए वन टू ए वन टू ये हो जाएगा ए वन थ्री ये हो गया ए वन वन ठीक है हाईलाइटिंग मैंने हटा दी अब ए वन थ्री सर ए वन थ्री फर्स्ट थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो फर्स्ट रो मैंने पूरी हाइट कर दी थर्ड कॉलम मैंने पूरा हाइट कर दिया अब क्या मेरे पास चार एलिमेंट्स बचे सर अब जो चार एलिमेंट्स बचे वो ये रहे आपके ये चार एलिमेंट बचे बस अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ए टू वन इंटू ए थ्री टू माइनस ए टू टू इंटू ए थ्री वन उसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया सिंपल है सर अब आगे बस इतना कर दोगे तो आंसर आपका थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का आ जाएगा वही इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहलाएगा चलिए अब आप लोग रेडी हैं क्या मेरे साथ करने के लिए अब हम लोग रियल एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि आंसर कैसे आता है ठीक है जस्ट मैं इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूं आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया था यस yes. तो मैं यही एग्जाम्पल पिक करता हूं सेम एग्जाम्पल लेट्स पिक द सेम एग्जाम्पल एंड लेट्स कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट ये हमारे पास एग्जाम्पल है ये हमारा है मैट्रिक्स ए अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले आप बात करते हैं ए वन वन की वन वन मेरे केस में क्या हो गया सर टू उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए चलिए अब माइनस एट इंटू वन परफेक्ट अब ए वन टू ए वन टू मतलब मुझे लेना है फोर तो माइनस फोर ले लिया मैंने अच्छा फोर को छोड़ के अब कौन से बचे सर ये चार बच गए ये चार बच गए ना फोर अगर आपने लिया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड हो गया तो आपका बच गया थ्री सिक्स एट सेवन तो अब मैं कर दूंगा थ्री इंटू सिक्स माइनस एट इंटू सेवन एंड लास्ट हो जाएगा मेरा प्लस टू फोर के बाद आता है वन ए वन थ्री जब मैंने वन को ले लिया तो ये भी हाइड हो गया ये भी हाइड हो गया तो बचे ये वाले चार तो ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू वन माइनस सेवन इंटू फाइव दिस वे

4 18 56, क्या होता है? में कर लेता हूं एटीन माइनस फिफ्टी सिक्स इट इज माइनस थर्टी एट प्लस थ्री माइनस थर्टी फाइव इज माइनस फोर्टी फोर फिर हो गया थर्टी एट इंटू फोर थर्टी एट इंटू फोर थर्टी एट इंटू फोर आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों माइनस में थे माइनस थर्टी टू अब देख लीजिए क्या होता है 152

ए वन के समय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है फिर माइनस ए टू फिर इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर वो सॉल्व हो जाता है तो वापस से प्लस थर्ड टर्म फिर इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर आपने तो ए वन ए टू ऐसे लिखाया था यहाँ पर तो ए बी सी लिखा है दोस्त मैंने वो तरीका बताया वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कॉन्सर्ट बुक में भले ऐसे दिया हुआ है बात एक ही है सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है उन्होंने ए वन ए टू ए थ्री की जगह ए बी सी लिखा हुआ है और मैंने उसके नंबर में ही वन टू वन थ्री लिख दिया ताकि समझ में आए कि रो नंबर क्या है कॉलम नंबर क्या है ठीक है फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं दोनों ही सेम फॉर्मूला है अच्छा अब कुछ नई टर्म्स और आएंगी पहली टर्म फर्स्ट टर्म माइनर सर माइनर क्या होता है सर माइनर मतलब जो 18 ईयर से कम का हो नहीं भाई ये वो वाला माइनर नहीं है इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाला माइनर है ना मैथमेटिकल माइनर है जो कि डिटरमिनेंट्स के अंदर आता है तो माइनर पहले डेफिनेशन पढ़ते क्या दिया हुआ है माइनर ऑफ़ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं टू सिक्स थ्री फोर वन टू फाइव थ्री सेवन सर माइनर भी एक वैल्यू होती है क्या यस yes, माइनर भी एक वैल्यू होती है एक मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट वैल्यू होता है क्या एक मैट्रिक्स का एक माइनर होता है नो no. माइनर हर एलिमेंट का निकाला जाता है सर समझे नहीं बात को कितने एलिमेंट से बताओ यहां पे थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है आप सभी बताइए मुझे कितने एलिमेंट्स है टोटल सर टोटल एलिमेंट है हमारे पास नाइन ये बात सबको समझ में आती है सर हर एक एलिमेंट का एक माइनर वैल्यू निकलता है कैसे निकलता है सपोज मैं बात करता हूं ए वन वन की ए वन वन तो ए वन वन की वैल्यू क्या है टू अब मुझे निकालना है एम वन वन एम वन वन का मीनिंग क्या होगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो ना वन वन लिखा हुआ है ना तो जैसे हम लोग ए वन वन ए वन टू लिखते थे वैसे एम वन वन एम वन टू ऐसे करके टोटल नाइन हो जाएंगे वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री थ्री टू थ्री थ्री इस तरह से सो माइनर ऑफ़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सर कैसे निकाला जाता है सिंपल मेक अ सब मैट्रिक्स एक सब मैट्रिक्स बनाइए बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सर ये क्या करना कहलाया सब मैट्रिक्स क्या होता है अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो आपको एक चीज पता होगी सब मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम को डिलीट करके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका एक और मैट्रिक्स बना देना अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास है टू अगर मैं फर्स्ट रो में सबको डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम में भी सबको डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या एलिमेंट्स बचेंगे सर उस केस में मेरे पास ये चार एलिमेंट्स बचेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज वन ऑफ द सब मैट्रिक्स विच इज वन थ्री टू सेवन हाँ सर तो मैंने बना दिया वो सब मैट्रिक्स है मेरा वन थ्री टू सेवन वन थ्री टू सेवन दिस इज माई सब मैट्रिक्स अब इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो अच्छा हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा जो कि होता है सेवन माइनस सिक्स के बराबर सो आंसर क्या आ गया वन तो सर ये एम ये वन क्या है दिस इज इक्वल टू एम वन वन तो सर क्या ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का माइनर है यस yes. इस तरह से आपके बहुत सारे निकलेंगे देखो एम वन टू भी निकलेगा एम वन थ्री भी निकलेगा ठीक है उसके बाद एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री फिर एम थ्री वन एम थ्री टू एंड एम थ्री थ्री ये भी निकलेगा यहाँ पे वन टू वन थ्री तो निकालना ही है एम वन वन हमने निकाला था ऊपर इस तरह से सर इस पूरे थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में, में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे नाइन सर हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आप एक और माइनर निकाल के बताएंगे बिल्कुल भाई, एक और माइनर निकाल के बताता हूं फाइंड एम टू थ्री चलो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है एम टू थ्री तो मैं सबसे पहले जाके ढूंढता हूं मेरा ए टू थ्री क्या है चलो आप सभी मुझे बताओ ए टू थ्री क्या होगा मेरे केस में वॉट इज ए टू थ्री वॉट इज ए टू थ्री ए टू थ्री मतलब एलिमेंट जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में हो सर सेकेंड रो ये हो गई थर्ड कॉलम ये हो गया ठीक है भाई तो मेरा जो एलिमेंट आया वो आया ये दिस वन ए टू थ्री बोल रहा है जब भी माइनर निकालना है सबसे पहला स्टेप होता है कि वहां के उस रो के सारे एलिमेंट्स और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स इनको डिलीट कर दो और जो बचता है उसका मैट्रिक्स बना दो तो टू सिक्स फाइव थ्री टू सिक्स फाइव थ्री ये मेरा ये मेरे चार एलिमेंट्स बनते हैं इनका मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ सो टू सिक्स नीचे है क्या नहीं टू सिक्स फाइव थ्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम या सेकेंड रो यस टू सिक्स फाइव थ्री ये टू बाई टू का मैट्रिक्स बना सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे टू इंटू थ्री माइनस फाइव इंटू सिक्स तो ये कितना आएगा सिक्स माइनस थर्टी विच इज़ माइनस ट्वेंटी फोर तो एम ट्वेंटी थ्री की वैल्यू हो गई आपकी माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है दोस्तों अब मैं एक एक माइनर नहीं बताऊंगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी जो भी पोजीशन है जैसे यहां पे टू थ्री पोजीशन थी मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मेरे मैट्रिक्स में मैंने उसको येलो से हाईलाइट किया उनको छोड़ दो उनको छोड़ के जो चार एलिमेंट्स बनेंगे उनका मैट्रिक्स बना लो तो ये 2, 6, 5, का एक मैट्रिक्स बन गया अब टू बाई टू का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वेंटी फोर इस तरह से आप सारे फिल कर सकते हैं अभी हमने सिर्फ दो फिल किए थे तो पहले की वैल्यू थी वन और एम टू थ्री की वैल्यू थी माइनस ट्वेंटी फोर ऐसे हमारे पास नाइन वैल्यूज आती है टोटल तो नाइन में से आपने दो निकाल ली अभी सेवन आप और निकाल सकते हैं तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ ये आप कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी ये एक बात हो गई ये था सर माइनर माइनर के बाद जो अगला टर्म पढ़ना है हमको वो कहलाता है कोफैक्टर सर कोफैक्टर क्या होता है को फैक्टर में बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे क्या मीनिंग सर अगर आपको सी आई जे निकालना है सी आई जे मतलब को फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पोजिशन सर ये भी बहुत सारे निकलते हैं क्या को फैक्टर yes. जैसे नाइन माइनर्स थे ना थ्री बाय थ्री में वैसे नाइन को फैक्टर्स भी निकलेंगे सी आई जे जैसे मुझे अगर सी वन टू निकालना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर निकालना है तो मैं लिखूंगा माइनस वन होल पावर वन प्लस टू ओके एम वन टू अच्छा एम वन टू तो आपको निकालते आता है बस उसके आगे क्या कर देना है माइनस वन का क्यूब एम वन टू माइनस वन का क्यूब तो क्या हो जाएगा माइनस एम वन टू सर क्यों क्योंकि माइनस वन का क्यूब माइनस वन के ही बराबर होता है तो वी विल गेट माइनस वन ओनली तो माइनस एम वन टू सो सी वन टू इज इक्वल टू एम माइनस वन टू अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ देखो अगर मुझे निकालना होगा सी टू टू तो मैं बोल दूंगा माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू C22 टू टू विल to टू माइनस वन का पावर फोर बताओ पॉजिटिव वन आता है नेगेटिव वन सर माइनस वन का पावर फोर करेंगे इवन पावर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा सो वन इन टू एम ट्वेंटी टू तो क्या मैं नहीं लिख सकता कि सी ट्वेंटी टू इज इक्वल टू एम ट्वेंटी टू तो सर क्या कभी कभी दोनों बराबर भी हो जाते हैं या तो बराबर होते हैं या तो सिर्फ साइन का चेंज होता है सर बराबर कब होते हैं बराबर तब होते हैं जब उनकी जो रो और कॉलम है ना उसका एडिशन इवन आता है जैसे यहां पे देखो टू प्लस टू फोर आ रहा है तो इक्वल हो गए यहां पर वन प्लस टू वन प्लस टू थ्री आ रहा था तो देखो नेगेटिव का साइन लग गया और बड़ा सिंपल है तो सर हम एक समरी या एक टेबल जैसा बना सकते हैं कि अगर आपको सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री निकालना है तो सी वन 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 प्लस वन टू मतलब इवन इवन पावर हुआ माइनस वन का बराबर तो होता है है ना उसके बाद सेकंड सी वन टू सी वन थ्री सर वन प्लस टू वन प्लस टू बिकम्स ऑड ऑड मतलब ऑड पावर तो नेगेटिव साइन लगा दो आगे तो माइनस एम वन टू देन वन प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर तो ये हो जाएगा एम वन थ्री ओके फाइंड आउट करना है सी टू थ्री फाइंड आउट करना है सिमिलरली सी थ्री वन सी थ्री टू एंड सी थ्री थ्री फाइंड आउट करना है मुझे okay, तो माइनस का साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं सर टू और वन टोटल होता है थ्री विच इज ऑड इसलिए मुझे माइनस एम टू वन लिखना पड़ेगा यहां पर सर टू प्लस टू होता है फोर तो सिंपली टू टू लिख दो इवन टोटल आ रहा है तो सेम और टोटल आ रहा है तो नेगेटिव का साइन क्योंकि ये हो जाएगा करना है मतलब सर क्या को फैक्टर के लिए हमको अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है नहीं सिर्फ माइनर है माइनर के आगे साइन जो है वो चेंज होता है तो वो को फैक्टर हो जाता है ठीक है ये हमने पढ़ लिया दोस्त को फैक्टर चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सर माइनर हमने समझ लिया द माइनर ऑफ द एलिमेंट लोकेटेड इन आई थ्रो एंड जेथ कॉलम मतलब हर एक एलिमेंट जो अलग अलग जगह लोकेटेड है उस हर एक पोजिशन का अलग अलग माइनर निकलता है इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स आपको ऑप्टेन हुआ था उस रो और कॉलम को डिलीट करके उस सब मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं समझ रहे हो बात को उस सब मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इट इज़ इक्वल टू द माइनर फिर सर सी आई जे निकालने के लिए क्या करना है सिर्फ माइनस वन का पावर आई प्लस जे इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपका पावर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव का नेगेटिव साइन रहेगा और अगर पावर इवन आ रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो जब इवन पावर प्लस कर देना जब ऑड पावर माइनस कर देना सिंपल ठीक है अच्छा एक स्पेशल एक स्पेशल रिलेशनशिप इन लोगों ने और बताई है वो ये बताई है कि जो थ्री बाय थ्री का फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा था ना वो को, को फैक्टर्स की मदद से भी निकाल सकते हैं अच्छा सो ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अगर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है सर वो तरीका क्या है तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री सर ये क्या हुआ समझ में नहीं आया अरे भाई आप ए वन वन तो करते थे कि नहीं फॉर्मूले में जाके हम लोग देख लेते वापस से सर ए वन वन तो ऑलरेडी मैं करता था बिल्कुल करता था सर एब्सोल्युटली करता था ए वन वन और ए वन वन से जो मैंने ब्लू पोर्शन में मल्टीप्लीकेशन किया है वो क्या था सर वो ये वाले फिगर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था ए वन वन को छोड़ के और ये वाला फिगर क्या है ये ये वही सब मैट्रिक्स तो है ये A11 का माइनर ही तो है सर फिर आपने को क्यों लिया है क्योंकि देखो एक साइन प्लस है प्लस क्यों साइन लगा हुआ है क्योंकि वन प्लस वन का पावर होता है टू मतलब इवन पावर वन टू वन और टू का टोटल होता है थ्री ऑड आ गया इसलिए नेगेटिव लग गया वन और थ्री फोर होता है तो पावर पॉजिटिव लग गया समझ रहे हो बात को तो वही चीज हमको यहां पे करनी है अल्टीमेटली सर हम वही कर रहे हैं सबसे पहले ए वन वन लेते हैं उसके बाद उस ए वन वन में से हम सी वन वन को मल्टीप्लाई करते हैं और सी वन वन इज नथिंग बट जो बचे हुए चार एलिमेंट हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालने जैसा है वही हमने किया था ए वन टू में भी हम वही करते हैं और ए वन थ्री में सर लेकिन आपने तो माइनस किया था अरे भाई सी वन टू जब आप निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस एम वन टू हो जाएगा ना अगर यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस ही रहने दो जब ये सी वन टू सॉल्व करोगे तो, भी दों भी दों भी दों, तो दों वो माइनस एम वन टू के बराबर होगा और एम वन टू निकालते समय आगे माइनस का साइन लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव बन जाएगा तो ये काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि इसी से डिराइव हुआ है फॉर्मूला आपका ठीक है पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी डेरिवेशन ये सब हमारे काम का नहीं होता पर जिनको समझ में आया वेरी गुड गाइड जिनको नहीं समझ में आया चिल मारो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ये जस्ट एक एनालॉजी बताई थी हम्म ये था डिटर्मिनेंट का बात सर उसके बाद क्या करना है उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आप चेंज कर दो फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू शायद चेंज नहीं होती या फिर जीरो हो जाती है समथिंग लाइक दैट तो हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके एक या दो इन सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो ये प्रॉपर्टीज को मैं कॉपी कर लेता हूं हमारे नोटबुक में ये चलिए ये प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं हमारी नोटबुक में ये हो गया आपका पेस्ट इसको थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर देते हैं यस ठीक है सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन ध्यान से सुनना डेल्टा रिमेन्सर्ड इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर कॉलम्सेंज बोल रहा है अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो सर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने को कुछ नाम कहा जाता है इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज सो इफ यू ट्रांसपोज उसके बाद भी सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता चेक करें क्या टू बाय टू से चेक करते हैं इजी पड़ेगा ओके ये एग्जाम्पल लिया मैंने तो पहले मैं लिखता हूं फॉर प्रॉपर्टी वन फॉर प्रॉपर्टी वन एग्जाम्पल टू फोर वन सिक्स ये टू बाय टू का मैट्रिक्स है ठीक है दिस इज मैट्रिक्स ए इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं सर तो ये आता है टू इंटू सिक्स माइनस फोर इंटू वन विच इज इक्वल टू ट माइनस फोर विच इज इक्वल टू एट ये बात क्लियर है सबको यस yes. वही चीज जब आप ए को ट्रांसपोज कर देते हो तो सर मैट्रिक्स बन जाता है मेरा टू फोर लाइक दिस एंड वन सिक्स लाइक दिस इस तरीके से बन जाता है ठीक है अब आप डिटरमिनेंट निकालो उसके ट्रांसपोज का चेक करो क्या सेम आता है सर अभी भी 2 4 1 6 अभी भी 2 के साथ तो 6 ही मल्टीप्लाई हो रहा है और अभी भी 4 के साथ तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली सर आंसर तो कहाँ जाएगा आंसर तो वही आएगा ना 8 समझ रहे हो बात को इसका मतलब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर भी दोगे तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी इज इट क्लियर द प्रॉपर्टी नंबर 1 इज फाइन फॉर यू यस परफेक्ट सेकंड प्रॉपर्टी बी डेल्टा चेंज इट साइन इफ टू रोज और कॉलम इंटरचेंज अगर कोई दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर दोगे तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी चलिए तो फॉर प्रॉपर्टी टू लेट मी टेक अ एग्जांपल फॉर प्रॉपर्टी टू नहीं बोलूंगा मैं प्रॉपर्टी बी बोलूंगा क्योंकि मैंने ऊपर ए बी सी डी करके लिखा हुआ है फॉर प्रॉपर्टी बी इसके पहले भी वन की जगह हम लोग ए लिख देते हैं फॉर प्रॉपर्टी ए सो फॉर प्रॉपर्टी बी दिस इज द एग्जांपल, यस क्या करना है सर एक और एग्जांपल लेता हूं यार टू सिक्स वन एट ओके ये है मेरा मैट्रिक्स बी अब मैट्रिक्स बी का मैं निकालता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो ये हो जाएगा टू इंटू एट टोटल करेंगे आप इंटरचेंज तो so कर दो नहीं सर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम की जगह बदल दो इंटरचेंज का नहीं बोल रहा इंटरचेंज तो ट्रांसपोज होता है तो मैं क्या करता हूँ सिक्स एट को यहाँ लिख देता हूँ टू वन को यहाँ लिख देता हूँ इससे क्या हो गया ऑटोमेटिकली आपका जो पहले आर वन था रो वन और जो पहले आर टू था अब उल्टा हो गया रो वन बन गया रो टू जैसा और रो टू बन गया रो वन जैसा ये इंटरचेंज एक दूसरे में हमने कर दिया मतलब रो वन ने रो टू की जगह ले ली रो टू ने रो वन की जगह ले ली अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालें क्या इसको मैं बी बार नाम दे देता हूं ताकि समझ में आएगा कि ये चेंज वाला वर्जन है ठीक है सिक्स वन या सिक्स माइनस एट टू जा सिक्सटीन हाँ सर माइनस टेन तो वही तो बोल रहा था वैल्यू चेंज नहीं होगी वैल्यू विल नॉट चेंज उन्होंने सिर्फ यह बोला आपसे कि जब आप किसी रो को एक दूसरी रो से रिप्लेस कर देते हो और दूसरी रो उसकी जगह चली जाती है इंटरचेंजिंग करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है सर साइन जो पहले प्लस था जो पहले प्लस टेन था इज नाउ माइनस टेन इज इट क्लियर गाइज हाँ जी तो ये बात भी क्लियर है एब्सोल्युटली क्लियर परफेक्ट अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी सी में आई होप सभी को प्रॉपर्टी बी समझ में आया होगा या प्रॉपर्टी सी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल डेल्टा इज इक्वल टू अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे होते हैं डिटर्मिनेंट के तो उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो के बराबर आएगा चेक करें एक बार फॉर प्रॉपर्टी सी फॉर प्रॉपर्टी सी लेट मी टेक एन एग्जाम्पल सर आप तब से टू बाई टू का ले रहे हो चलो भाई थ्री बाय थ्री का एग्जाम्पल लेता हूँ टू बाई टू क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है समझाने में थोड़ा टाइम जाता है तो थ्री बाय थ्री का ले लेता तो, हूं एक चलो टू थ्री वन फोर सिक्स एट एंड टू थ्री वन अब मैंने क्या किया यहां पर सर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहां पर आपका कैन आई से रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल बताइए मुझे खुद आप क्या दोनों आइडेंटिकल हैं हाँ सर दोनों रो एक जैसे दिख रहे हैं तो प्रॉपर्टी हमको ये बोलती है ऐसे डिटर्मिनेंट की आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हो ऐसे मैट्रिक्स की अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं ये जीरो के ही बराबर आएगा अब हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर्मूले से कि क्या सच में ये जीरो के बराबर आएगा प्रूव कर लेते हैं ठीक है सबसे पहली बात सबसे पहले मैं लूंगा टू ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इन टू सिक्स इंटू वन थ्री इंटू एट राइट तो सिक्स वन जा सिक्स एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फिर मैं लूंगा ये वाला एलिमेंट लेकिन नेगेटिव साइन में सो माइनस थ्री माइनस थ्री लिया है तो फोर इंटू वन करना होगा एट इंटू टू करना होगा तो फोर वन जा फोर इन सॉरी माइनस एट टू जा सिक्सटीन ये भी हो गया सर ठीक है ये भी हो गया लास्ट आपको लेना होगा ये वाला वन तो प्लस वन और बचा कौन अब बच गए फोर थ्री और सिक्स टू तो ट्वेल्व फोर्थ जब ट्वेल्व माइनस सिक्स टू जै ट्वेल्व अब हम लोग चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आती है सर सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज कमिंग टू एटीन एटीन टू जै थर्टी सिक्स तो ये हो गया माइनस थर्टी सिक्स ये हो गया फोर माइनस सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन इज माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री इज प्लस थर्टी सिक्स और ये हो गया प्लस वन इंटू जीरो विच इज एपोलूटली जीरो अब बचा माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स आंसर कितना आया जीरो क्या प्रॉपर्टी नंबर सी सभी को समझ में आई यस प्रॉपर्टी सी भी सर हमको समझ में आ गया अगर कोई भी दो रो अभी तो मैंने रो का एग्जाम्पल ऐसे कोई दो कॉलम भी अगर सेम होते हैं ना तो भी डेल्टा की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर ही आएगी चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी में चलते हैं फ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट के द डेल्टा विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाई के ये तो ईजी प्रॉपर्टी है फिर भी चलो मैं इसे ले लेता हूं फॉर प्रॉपर्टी डी एग्जाम्पल ये हमारे लिए होगा दोस्त एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं टू फोर सेवन नाइन चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको ओके सर इसका डिटर्मिनेंट ए ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा मेरे लिए नाइन टू जाए एटीन माइनस सेवन फोर जाए ट्वेंटी एट माइनस टेन चलिए अब बोल रहा कोई एक जो है वो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने बोला चलो भाई ये हो गया, 3A. तो 3 हो गया गया yes. तो मल्टीप्लाई सबके अब हम लोग 3A निकाल के देखते हैं किसके बराबर आएगा सर हो जाएगा सिक्स इंटू ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी टू एंड ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी टू वन सिक्सटी टू माइनस टू फिफ्टी टू इज नेगेटिव नाइनटी नेगेटिव नाइनटी अच्छा तो सर प्रॉपर्टी ने क्या बोला था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम ओ हमसे एक मिस्टेक हो गया पूरे मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है ए बार बना दो ए को मॉडिफाई कर दो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिर्फ फर्स्ट रो को कर देता हूं टू थ्री जो सिक्स फोर थ्री जा टल्व और सेवन और नाइन को एज इट इज रहने दो चलिए सेवन और नाइन को एज इट इज रहने देते हैं अब मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोगों ने पूरा मल्टीप्लीकेशन कर दिया था वो करने की जरूरत नहीं थी अच्छा सिक्स नाइन जा फिफ्टी फ़ोर और ट्वेल्व सेवन जा आई होप एटी फोर होता है यस yes. अब बताइए कितना आ रहा है सर माइनस थर्टी अब चेक करो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन माइनस टेन एंड माइनस थर्टी क्या ये भी इसका थ्री थ्री टाइम्स हो गया हाँ सर मैंने फर्स्ट रो को बस थ्री टाइम्स किया था तो मेरा मैट्रिक्स भी पूरा थ्री टाइम्स हो गया क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई फिर से रिपीट करता हूँ देखो यहां पर फर्स्ट रो थी टू फोर सेकेंड रो थी सेवन नाइन मैंने फर्स्ट रो को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों एलिमेंट्स को सेकेंड रो को कुछ भी नहीं किया क्योंकि एनी वन रो को बोला था इसका डिटरमिनेंट माइनस टेन आया था दूसरे का डिटरमिनेंट माइनस थर्टी आया एग्जैक्टली exactly वही थ्री टाइम्स का रिलेशनशिप आया था दिस इज प्रॉपर्टी डी आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर ओके नाउ ऑल ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेट आर एक्सप्रेस डेल्टा इज एक्सप्रेस मीनिंग है सर इसका अच्छे से ध्यान से सुनना ना ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है प्रॉपर्टी इजी है पर जो इसका इंग्लिश स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा सा समझ से परे हो जाता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं फॉर प्रॉपर्टी ई तो दोस्तों प्रॉपर्टी ई e के लिए जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ये है 2 5 6 9 ये एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है अब उन्होंने ये बोला कि आप किसी भी एक रो को सम ऑफ द नंबर्स के फॉर्म में लिख दो सम ऑफ द नंबर्स के फॉर्म में तो मैं क्या करता हूँ? एक काम करता हूँ ये 2 को लिख देता हूं 1 1 6 ये 5 को लिख देता हूं 2 3 और नीचे आ गया आपका 9 तो देखो सेम मैट्रिक्स है जो रो नंबर वन है उसको मैंने मॉडिफाई किया है एक्चुअली मॉडिफाई भी नहीं बोल सकता सिर्फ उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है टू को वन प्लस वन लिखा है और फाइव को टू प्लस थ्री लिखा है अब बोल रहा है इसे आप इसके भी दो मैट्रिक्स बनाइए तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ बी उस बी मैट्रिक्स में मैं क्या लेने वाला हूँ सम का सिर्फ पहला वाला पार्ट सिर्फ पहला वाला पार्ट तो देखना कैसा मैट्रिक्स बना है वन टू सिक्स एंड नाइन ये बात समझ में आई ओके okay. उसके बाद मैं एक बना रहा हूं सी मैट्रिक्स सी तो वन टू सिक्स नाइन हुआ अब आप ये वाला ले लो वन थ्री सिक्स नाइन तो थर्ड मैट्रिक्स बन गया वन थ्री सिक्स नाइन मतलब सम का सेकंड वाला पार्ट ठीक है वन थ्री सिक्स नाइन ये भी हो गया टू बाय टू ये भी हो गया टू बाय टू नाउ अब हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं इनका मतलब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा सर नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सी सर ये हो जाएगा नाइन माइनस एटीन विच इज़ माइनस सिक्स अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर जगह नहीं है यहाँ पे तो हम कैसे रखें इसको इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ यहां पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल देता हूँ so कितना हो रहा माइनस ट्वेल्व अब मुझे बताइए क्या माइनस ट्वेल्व इन दोनों का सम करके भी आएगा इट्स नॉट माइनस सिक्स बट इट्स माइनस नाइन हाँ अब बताइए क्या माइनस नाइन और माइनस थ्री इनको एडअप करोगे अगर आप दिस प्लस दिस विल यू गेट माइनस ट्वेल्व ओनली

तो मैंने दोनों के डेल्टा का सम किया तो वो मेन वाले के डेल्टा के बराबर आ रहा है ठीक है चलिए ये एक बात हो गई ओके द लास्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ओके द डेल्टा विल रिमेन सेम इफ इक्वी मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम फिर से ध्यान से सुनना डेल्टा विल रिमेन सेम डेल्टा में कोई भी चेंज नहीं आएगा इफ इक्वी मल्टीपल इक्वल मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आएगा नहीं सर चलिए फिर फॉर प्रॉपर्टी एफ फॉर प्रॉपर्टी एफ लेट सी द एग्जाम्पल यस प्रॉपर्टी एफ के लिए सर हम एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने टू सिक्स One, three. पहले आप सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकाल दो सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर हम लोग वो इक्वी मल्टीपल वाली बात करेंगे सर थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स आंसर कमिंग टू जीरो नाउ अब मैं लेता हूं दूसरा मैट्रिक्स बी इसमें मैं क्या कर रहा हूं इक्वी मल्टीपल मान लो टू का टू का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है सर so, टू का सेकेंड मल्टीपल होता है टू फोर uh, और सिक्स का सेकेंड मल्टीपल होता है ट्वेल्व तो यहां पर टू और सिक्स रहने दो वन में फोर ऐड कर दो और थ्री में ट्वेल्व ऐड कर दो ऐसे है हाँ तो देखते हैं थर्टी माइनस थर्टी बताइए क्या अभी भी मैट्रिक्स का वैल्यू सेम आ रहा है तो आप सभी ने ध्यान दिया मैंने क्या किया मैंने ये किया ये फर्स्ट रो था फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे टू एंड सिक्स टू का भी सेकेंड मल्टीपल निकाला सिक्स का भी सेकेंड मल्टीपल निकाला टू का सेकेंड मल्टीपल फोर सिक्स का सेकेंड मल्टीपल इज ट्वेल्व ये ट्वेल्व और फोर को मैंने इसमें आके एड कर दिया अगली वाली रो में फिर इस मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करी तो वो भी पहले वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा है सो रिपीटिंग वंस अगेन एक बार फिर से पढ़ते हैं एफ

सो so, जो लास्ट पार्ट बचता है मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का भी सेकेंड पार्ट होगा क्रेमरस रूल और इनवर्स उसको भी हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियोस सो गाइस आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें और मैट्रिक्स का जो अब आपका डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा कोई भी डाउट होता है आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शो भी हो रहा होगा मेरे वीडियो में वहाँ से आप देख सकते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके कुछ भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं अच्छा थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड अगर आपको चाहिए जो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो वी हैव अ डिस्कशन फोरम ऑफ मैथ्स इन टेलीग्राम तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी यहाँ पे लिखा हुआ है नेम वो सर्च करिए आप जाके टेलीग्राम में और वहाँ जाके डिस्कशन फोरम को ज्वाइन कीजिए उस डिस्कशन फोरम में अगर आप कोई डाउट पोस्ट करते हैं तो पीपल विल रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल ठीक है ना तो हो सकता है मैं बिज़ी हूँ तो मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे विल हेल्प यू ओके और दूसरी बात होगी कि ये जो मैंने सारी चीज़ें सर लिखी है नोटबुक में क्या सर ये भी आप अवेलेबल कराओगे या दोस्त तो इस पूरे का पी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा तो उस लिंक को आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपके पास वो रेफरेंस के लिए भी हो जाए ठीक है नो प्रॉब्लम आई होप आप सेकेंड वीडियो के लिए बिल्कुल इंतज़ार करेंगे और फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज प्रेस द लाइक बटन और आपको फीड आपको कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल उसके बारे में कमेंट जरूर करना थैंक यू सो मच सी यू गाइस बाय बाय टेक केयर